आज है संडे और आज है हेयर वॉश डे, तो बालों के धुलने से पहले बालों की चम्पी भी ज़रूरत है। तो आज मेरे घर में ये आया है इंदुलेखा, तो मैं इसे ट्राई करती हूँ, इसका रिव्यू भी आपको दूंगी। और ये ऐसे आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अप्लाई करेंगे एंड उसके बाद मैं आपको रिव्यू भी दूंगी। नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, तो डियर इंदुलेखा अगर आप देख रहे हैं तो आप प्लीज़ अगर आप चाहें तो मुझे स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं, आई डोंट माइंड। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मसाज योर हेयर्स बिफोर क्लीनिंग इट, क्योंकि बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी रहता है और ये हम लोग के यहाँ सदियों से हो रहा है। दैट्स वाई इंडियन हेयर जो विग बनती है, विग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर किसी हेयर की डिमांड होती है तो इंडियन हेयर्स की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है बिकॉज ऑफ दिस ऑयल मसाज। आज बहुत सारा काम है क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है। अभी मैं जा रही हूँ पूरा मंदिर सजाने के लिए, मतलब घर में जो मेरा मंदिर है उसको अच्छे से सजाने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद तैयार होना है, पूजा करनी है, और सबसे बड़ी चीज़ है आज व्रत है। तो मैं अभी आज योगा भी सुबह नहीं कर पाई क्योंकि जब से सुबह उठी हूँ पूरे घर में साफ़ सफाई और ये सारी चीज़ें करनी, तो आज का योगा होगा शाम को। और ये है मेरा चंपू लुक, हैशटैग चंपू लुक सुप्रीमेसी। और चलिए फिर काम कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये ली मैंने आधा कप चाय और साथ में रात भर के सोक्ड आमंड्स और वॉलनट। सुबह के बज गए हैं 11 और मुझे लगी है ज़ोरदार भूख, पर अभी नाश्ता बना नहीं क्योंकि फलहार बनने में टाइम है। और फ्रेशन अप होके हमने ले लिया है फ्रूट्स और आज के टास्क के लिए जल। दोपहर के बज रहे हैं 3 और कल का जो व्लॉग है यानी 14 अक्टूबर का व्लॉग है वो मैंने अभी अपलोड कर दिया है, तो प्लीज़ 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 जाइए उसको भी देखिएगा, इस व्लॉग के साथ साथ उसको भी देखिएगा और मुझे बताएगा कि आपको कैसा लगा। अच्छा, ये नवरात्रि के ये घी वाले आलू और साथ में मूंगफली और मखाना किस किस को पसंद है, सच सच बताइएगा। और पानी ख़त्म हो गया तो इसको रीफिल कर लेते हैं। और आज मैंने 2 लीटर बॉटल शाम से पहले ख़त्म कर लिया। आ गई है मेरी स्मार्ट वॉच। और अब आराम से स्टेप ट्रैक हो जाएंगे, अब हम आराम से वॉक कर सकते हैं और एग्जैक्ट स्टेप हमको पता होंगे तो मैं शूटिंग भी कर पाऊँगी जब फ़ोन दूर स्टैंड पे खड़ा कर दूँगी, और साथ ही साथ मैं एक्सरसाइज भी कर पाऊँगी आराम से। फाइनली शाम के बज रहे हैं 5:30 और इस समय मैं फेनल वाटर बॉयल हो रहा है, तो फेनल वाटर बॉयल हो रहा है। सुबह मैंने दूध वाली चाय पी ली थी तो एक टाइम पे मैंने सोचा है कि चाय कम कर दिया है, वैसे भी शुगर फ्री चाय पीती हूँ, मतलब उसमें चीनी होती नहीं, शुगर फ्री भी नहीं, मतलब स्टीविया वगैरह कुछ भी नहीं, सिंपल दूध, थोड़ा सा थोड़ी चाय पत्ती और थोड़ा पानी, बस इतना ही होता है। तो इस समय फेनल वाटर पी रही हूँ और साथ ही साथ मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया है, उसने कहा कि चलो थोड़ी देर मौसम अच्छा है कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। मैंने कहा चलो चलते हैं। और आज नवरात्रि का पहला दिन है तो माँ दुर्गा जी का फेवरेट कलर रेड कलर, उसकी कुर्ती मैंने पहन ली है और यस तैयार हो गया। और हाँ, मैंने आज आपसे कहा था ना कि मैं इंदुलेखा मैंने आज ट्राई किया है, तो यस इट्स अ बिग यस फ्रॉम माय साइड कि मैंने इसको यूज़ किया एंड हेयर क्वालिटी आप जैसा कि देख सकते हैं, तो यस इट्स अ बिग यस फ्रॉम मी। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा माइल्ड शैम्पू यूज़ करें क्योंकि हेड एंड शोल्डर या और भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड के शैम्पू जो काफ़ी हार्श होते हैं, तो अगर आप माइल्ड शैम्पू यूज़ करना चाहते हैं, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, बाल अगर आपके ड्राई हैं, तो यस यू कैन कंसिडर दिस शैम्पू, इट्स अ बिग यस फ्रॉम मी। और डियर इंदुलेखा आपका फ्री में ऐड कर रही हूँ, तो अगर आप मेरा वीडियो ये देखेंगे, मतलब मेरा देखिए मेरी मैं कितनी पॉजिटिव हूँ कि मैं गेस कर रही हूँ कि इंदुलेखा वाले मेरे ये वीडियो देखेंगे, बट फिर भी अगर आप देखेंगे तो देख लीजिए, तो प्लीज़ स्पॉन्सरशिप एंड चेक वगैरह ज़रा भेज दीजिएगा। आई सी आई कंसिडर, मेरे PA को भेज दीजिएगा प्लीज़। शाम का काम हो गया है, हमारे सारे बर्तन हो गए हैं सेट, बहुत ज़रूरी ज़िम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर,
सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन, सारे इम्पोर्टेंट काम मैं ही करती हूँ, जैसे कि बर्तन सेट करना, पौधों में पानी डालना, सारे के सारे। जब से इनको पता चला है कि मैं डाइट पे हूँ और तो और मेरा व्रत है, जब से ये जान गए तब से इनका एक्स्ट्रा ऑर्डर हो रहा है। अमूल कूल देखिएगा, वो देखो अमूल कूल बन कोल्ड ड्रिंक, कुछ बचना नहीं चाहिए और सब मेरे बगल से ऑर्डर कर कर खाया जाएगा दिखा दिखा के। ये मैं खा रही हूँ प्रसाद और इधर चल रहा है जंक फूड। किसी दिन मुस्कुरा के ये तमाशा हम भी देखेंगे। रात के डिनर में हमने लिया ये सिंपल सा थोड़ा सा आलू जो हल्का सा घी में बनाया गया था, और थोड़ा सा हमने लिया ये सिंघाड़े के आटे का हलवा। अच्छा, बेस्ट पार्ट ये हुई कि मम्मी जो अपने लिए बनाते हैं हलवा, क्योंकि उनको डायबिटीज़ है, वो बिना चीनी का बनाती हैं, तो मेरे लिए फ़ायदा रहा कि मैंने बिना चीनी वाला निकलवा लिया अपने लिए भी, और उसके बाद बाकी फैमिली के लिए जो बना था उसमें चीनी ऐड कर दी गई थी। तो मेरा ऑल टोटल डिनर है ये। आज की 45 मिनट आउटडोर एक्टिविटी के बाद की सेल्फी ये रही, और इसी के साथ मेरे आज के सारे टास्क हुए कंप्लीट। आज मैंने जाना कि कैसे एक ज़माने में समंदर को पार करना भी धर्म का उल्लंघन माना जाता था।